सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप सब लोग। तो भाई आप सब लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, आपके पास कोई मोबाइल है, आपका बहुत पुराना, आपका जो मोबाइल है वो बहुत पुराना हो चुका है और उसमें एक प्रॉब्लम हो गई है। आपके जो स्पीकर की आवाज़ है जिससे आप ये गाने सुनते हैं, इसकी भी बहुत कम आवाज़ हो गई है। जिससे आप कॉल वगैरह सुनते हैं ऐसे कान पर लगा कर, उसकी भी बहुत आवाज़ कम हो गई है। आप जो बाजार में होते हैं कोई फ़ोन आ जाता है तो आपको सुनता ही नहीं है, इतनी कम जो है उसकी आवाज़ हो चुकी है। और इस स्पीकर की तो इतनी आवाज़ है कि सांप पास में बैठा हुआ आदमी भी हमारे गाने की आवाज़ नहीं सुन सकता, या कोई फ़ोन आता है उसका हमें पता नहीं चलता है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि भाई कैसे हम अपने फोन की आवाज को जो है बढ़ा सकते हैं, कैसे उसके स्पीकर से जो है जितनी आवाज आती थी उससे दो गुना आवाज आए, तीन गुना आए, चार गुना आए, उससे आप जो है जितनी चाहो उतनी आवाज बढ़ा लोगे। पर भाई रिस्क आपका होगा, अगर उस तरीके से आप जो है ज्यादा आवाज बढ़ाओगे तो आपके स्पीकर जो है डैमेज होने का वहां पर खतरा बना रहेगा। तो देखिए इसमें मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, कितनी आवाज रखनी है, कितनी आवाज हमें जो है वहां से स्पीकर से लेनी है। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर भाई आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। सेटिंग बहुत छोटी सी है, वीडियो को पूरा देख के जाना। देखिए पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैं दो तीन सेटिंग बताऊंगा, दोनों तीनों सेटिंग आपको कर लेनी है तो आपके फोन की आवाज जो है 100% आपको बढ़कर मिलेगी। आप जो कहते हैं कि मुझे कॉल की आवाज नहीं आती है, मुझे म्यूजिक की आवाज नहीं आती है, तो उनको भाई आवाज वहां पर आने लग जाएगी, उससे जो है आपकी 100% आवाज वहां पर बढ़ जाएगी। तो देखिए भाई पहली सेटिंग आपको क्या करना है, पहली सेटिंग जो है कुछ लोगों के फोन में मिलेगी और कुछ के नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कुछ जो है महंगे फोन होते हैं थोड़े 20-25 हज़ार रुपए के, उस फोन में वो सेटिंग मिलती है, और जिसमें वो सेटिंग नहीं मिलेगी उनको बताऊंगा कैसे वो सेटिंग अनेबल करनी है। तो देखिए मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो आपको मेन सेटिंग में जाना है। मेन सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है भाई साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद आपको यहां पर थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है भाई साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट का। अगर आपको ये सेटिंग नहीं मिल रही है, आपके पास वीवो का, ओप्पो का, रेडमी का, किसी भी कंपनी का मोबाइल है, तो आपको बाद में बताऊंगा कैसे आपको वो जो है सेटिंग अनेबल करनी है। अभी सैमसंग के मोबाइल की देख लो और जिनमें सेटिंग मिलती है वो वाले देख लो। तो यहां पर चले जाना है भाई आपको साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट में। तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है भाई डॉल्बी एटमॉस का। अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है कोई और आपके पास फोन है तो उसके लिए आपको बता दूंगा आपको क्या करना है। तो यहां पर आने के बाद आपको देखिए, यहां पर आने के बाद आपको ये पहले तो ये ऑन कर देना है। यहां पर लिखा हुआ है गेट रियलिस्टिक डॉल्बी एटमॉस साउंड ऑटोमेटिकली व्हेन यू प्ले गेम्स, मतलब आपका साउंड जो है यहां पर एनहांस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और देखिए यहां पर आपको एक जो है इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है। यहां पर आने के बाद आप यहां से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं किस जो है फोन में आपको म्यूजिक सुनना है, नॉर्मल, पॉप, क्लासिक, जैज, रॉक, कस्टम या डांस। कस्टम में क्या होता है, आप यहां से अपने हिसाब से इसकी आवाज को जो है कस्टम वगैरह कर सकते हो, जो से जैसा भी आपको रखना है वो आप यहां से कर सकते हैं। अब यहां पर जो है, अब यहां पर आपको मेन सेटिंग क्या करनी है, देखिए यहां पर एक ऑप्शन मिलता है अडेप्ट साउंड, इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर क्या मिलता है भाई, देखिए अडेप्ट साउंड फॉर मीडिया एंड कॉल्स, यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो ओनली मीडिया ओनली कॉल्स। तो मैंने मीडिया एंड कॉल्स करके रखा हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन क्या मिलता है भाई, अंडर 30 ईयर ओल्ड, 30 to 60 ईयर ओल्ड, ओवर 60 ईयर ओल्ड, मतलब यहां पर अगर हम 30 साल के हैं तो 30 साल के हिसाब से हमें साउंड देगा, मतलब जो हमारे कानों में साउंड आएगा वो 30 साल के आदमी के हिसाब से साउंड देगा। तो हमें क्या सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, ओवर 60 ईयर ओल्ड। तो जो भाई 60 ईयर के बंदे होते हैं, 60 साल से ज़्यादा के होते हैं, तो उनकी जो है हियरिंग जो है कैपेबिलिटी कम हो जाती है, मतलब उनकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए फ़ोन ने ऑप्शन दिया कि 60 साल के लोगों के लिए यहाँ पर ये है जो बढ़ाकर आपको आवाज़ देगा। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है 60 साल वाले पर, तो आपकी आवाज़ मतलब इस तरह से हो जाएगी जैसे 60 साल के बंदे के लिए ज़्यादा आवाज़ देगा आपको फ़ोन, उसी तरह से आपको ज़्यादा देगा। तो ये सेटिंग आपको यहां से कर लेनी है। दूसरी सेटिंग आपको क्या करनी है, आपको अपने फोन की मेन सेटिंग में आ जाना है। ये सेटिंग सभी फोन में सेम होती है। देखिए यहां पर आने के बाद आपको अबाउट फोन का एक ऑप्शन मिलता है, किसी फोन में ऊपर होगा, किसी फोन में नीचे होगा, कहीं भी होगा, तो अबाउट फोन में आपको चले जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद एक ऑप्शन ये मिलता है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, ये भी सब में मिलता है। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में आने के बाद बिल्ड नंबर वाला ऑप्शन मिलता है, ये देखिए बिल्ड नंबर, तो ये भी सभी फोन में मिलता है बिल्ड नंबर। अगर आपको वो पहले वाली सेटिंग नहीं मिलता है तो आप बिल्ड नंबर सर्च कर लेना सेटिंग में, तो आपको ये मिल जाएगा। तो आपको यहां पर बिल्ड नंबर पर 7 बार टैप करना है, ऐसे 7 बार। 7 बार टैप करने के बाद आपका यहां पर एक ऑप्शन एनेबल हो जाएगा भाई, ये देखिए डेवलपर ऑप्शन। अगर आपका यहां पर नहीं मिलता इस फोन में तो सामने ही आ गया, अगर आपको यहां पर नहीं मिलता तो आपकी एक्सेसिबिलिटी में हो सकता है यहां पर, या एडिशनल सेटिंग में हो सकता है, या सबसे ऊपर आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इस डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है। इस पे जाने के बाद आपको यहां पर बहुत सारी सेटिंग मिल जाएगी आपको आपके फोन से रिलेटेड। तो यहां पर जैसे ही आप जाओगे तो थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए भाई थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम, तो हमें इसको, ये आपकी डिसेबल होगी तो हमें यहाँ पर जो है ये अनेबल कर देनी है। अनेबल करने के बाद ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेबल द ब्लूटूथ एब्सोल्यूट वॉल्यूम फीचर इन केस ऑफ वॉल्यूम इश्यू विद रिमोट डिवाइस सच एज अनएक्सेप्टेबल लाउड वॉल्यूम और लैक ऑफ कंट्रोल, मतलब अगर आपका कोई डिवाइस जो है यहाँ ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो उसकी आवाज़ भी यहाँ पर इनहेंस हो जाएगी और आपके स्पीकर की, इस स्पीकर की आवाज़ भी आपकी इनहेंस हो जाएगी। तो ये दोनों के लिए
ये काम करता है, ये अनेबल, ये फीचर आपको अनेबल कर लेना है। अब तीसरी सेटिंग आपको बताता हूँ एक और यहीं पर। अब तीसरी सेटिंग क्या है भाई, तीसरी सेटिंग ये है जिन लोगों को ये दोनों सेटिंग नहीं मिलती है, एक सेटिंग मिल जाती है एक नहीं मिलती है, उनको भाई क्या करना है, उनको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये देखिए ये एप्लीकेशन है, ये देखिए स्पीकर बूस्टर मतलब वॉल्यूम बूस्टर, ये आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से, सबको आसानी से मिल जाएगी। और भाई इसमें आकर आप यहाँ सबसे पहले वार्निंग पढ़ लेना, प्लेइंग ऑडियो एट हाई वॉल्यूम में डैमेज योर स्पीकर एंड हियरिंग, ऑल यूज एट योर ओन रिस्क, मतलब आपका रिस्क होगा अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं और स्पीकर जो है आप चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है 30% तक आपको अलाउ करता है। ये देखिए 30% तक, 30% के बाद आप जाते हैं तो रेड लाइन आ जाती है, मतलब ये खतरे का निशान आ जाता है। अगर आप इससे ऊपर जो है वॉल्यूम रखते हो यहाँ पर तो आपका स्पीकर भी फट सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई आप 25, 20, 30, 25 तक, 15 तक, 20 तक यहाँ तक सेट करके रखें, और यहाँ से अपने डिवाइस की वॉल्यूम भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका क्लोजर ऑन कर सकते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ से इसकी वॉल्यूम बूस्ट जो है 20-25 तक रखना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं ले जाना, उससे ज़्यादा ले जाओगे तो अपने रिस्क पे ले जाना भाई, क्योंकि वहाँ से आपका स्पीकर भी फट सकता है। अब आपको ये सेटिंग यहाँ करने के बाद आपको थ्री डॉट में आना है, ऊपर थ्री डॉट में आने के बाद सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा भाई, देखिए सेट टू 60% मैक्सिमम लाउड बूस्ट सेट टू 60%, ये 60% तक करके रखता है। अगर आप 60% से ऊपर जाते हो तो भी आपको खतरा है, तो मैं तो आपको 30 ही सजेस्ट किया है। और ये देखिए शो वॉल्यूम कंट्रोल भी आपको शो हो जाएगा, और कंपैटिबिलिटी मोड भी ये देखिए, अगर आपके फोन में ये एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है तो आपको इस वाले टिक यहाँ पर ऑप्शन पर टिक कर देना है, तो ये एप्लीकेशन 100% आपके फोन में काम करने लग जाएगी। ये देखिए, तो इस तरह से इस एप्लीकेशन का यूज करके आप अपने फोन की वॉल्यूम को जो है 50% तक इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके ये तीनों ट्रिक भी काम नहीं करती है तो फिर आप भाई किसी फोन मैकेनिक पर जाओ, मोबाइल रिपेयरिंग वाली शॉप पर जाओ, तो अपने स्पीकर पर यहाँ पर ब्लोअर से उसकी सफाई करवा लो, मतलब उसमें हवा लगवा लो, तो आपका स्पीकर थोड़ा साफ हो जाएगा। तो इन 3-4 तरीकों से अपने फोन की वॉल्यूम को, स्पीकर की वॉल्यूम को, इस वाले की भी आप इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना।